वेलकम स्टूडेंट्स, इस सवाल में हमें ये आइडेंटिटी दे दी गई है और हमें इसको सिंप्लीफाई करना है। सो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब इज इक्वल टू होगा ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, एंड ए क्यूब माइनस बी क्यूब जब हम लेंगे तो होगा ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। सो यहाँ पे आप देख रहे हो कि ए प्लस बी के फॉर्म में है, सो इसे हम इस फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं। तो ये हो जाएगा 2x प्लस 3y इंटू 2x का स्क्वायर माइनस 2x इंटू 3y प्लस 3y का स्क्वायर। अब ये a प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर के फॉर्म में आ गया है। So, ये हो जाएगा 2x का क्यूब प्लस 3y का क्यूब, 2 का क्यूब होता है 8, so 8x क्यूब हो जाएगा प्लस 3y का क्यूब मतलब कि 27y क्यूब हो जाएगा। यही आंसर है। थैंक यू।